हालांकि उड़ा के मैंने दी उसे टेक ऑफ मैंने किया हुआ है दर्शकों को ऐसा लगने दो कि मैंने उड़ाई अरे ऐसा थोड़ी है झूठ नहीं बोलते नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है काइट फ्लाइंग, तो सब लोग अपनी टेरेस पे है। हम लोग भी आ गए कब से टेरेस पे। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी फैमिली से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं जयेश और यश दोनों इतने मशगूल है काइट फ्लाइंग में। दोस्तों हैप्पी मकर संक्रांति सभी को, हैप्पी लोहरी, हैप्पी ओणम सभी दर्शकों को। यश आप भी बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। यश अभी बिजी है, अब वो अपने पापा की हेल्प कर रहा है। और ये देखो दोस्तों ठंड भी बड़ी है और हवा भी बहुत चल रही है। आज देखो हमारी पीले कलर की पतंग है, येलो कलर की पतंग। देखो आपको नजदीक से बताता हूँ, देखो दिख रही है हमको, दिख नहीं रहा सनलाइट। हाँ हमको तो दिख भी नहीं। देखो 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 आपको दिखेगी दोस्तों, देखो येलो कलर की हमारी पतंग है। दोस्तों आप भी आइए हमसे जुड़ जाइए। पवन बहुत है आज, हवा कुछ ज्यादा ही है पवन, तो हमारी एक पतंग ऐसे ही फट गई, हवा से ही फट गई, कट गई। दोस्तों हमारी पतंग कट गई कोई बात नहीं, दूसरों की भी काटेंगे हम। यश क्या हुआ, यश क्या हुआ, ओ भाई साहब इधर तो देखो क्या हुआ, कट गई पतंग। यश खींचो खींचो मांजा खींचो, दूसरी वाली कब मतलब रेडी करो आप। यस yes, दूसरी वाली पहले तो इससे लपेटने तो दो मुझे। देखो दोस्तों ये हमारा मांजा कल जो हमने लिया था। यश एक सेकंड रुको, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो दोस्तों फंस गया, क्योंकि यश के हाथ में थी एक्चुअली। यश क्या थोड़ा ट्रेन हो रहा है, अभी छोटा है ना, इसको मेरे को खोलना पड़ेगा। हाँ देखो इसको, ये सबसे बड़ी समस्या होती है मांजे की। और आप देख सकते हो दोस्तों जयेश अभी किन्ना बांध रहे काइट में। नई पतंग का कलेक्शन है दोस्तों, पुरानी फिरकी है, ये पुरानी पतंग का कलेक्शन है। तो अभी वन बाय वन सब रेडी हो रहा है, अभी रेडी हो रहा है। देखो यश क्या कर रहे हैं। यश आप क्या इतना बड़ा फूम बजाओ बजाओ एक बार। ऐसे हो अच्छा, हो गया आपका रेडी, तो हम लोग उड़ा रहे पतंग। बस दो मिनट और फिर हम एक और पतंग उड़ाएंगे। क्या हो गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। दोस्तों आपने मेरी फैमिली के हर सदस्य को देखा है, उनसे परिचय हुआ आपका, और आज एक ऐसे व्यक्ति से आप सबकी मुलाकात कराने वाला हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संक्रांति के दिन आपको किसी से मिलाऊंगा, और आज आप सभी को मिलाने वाला हूँ मेरे पिताजी से। जय श्री राम पापा। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आपको हैप्पी संक्रांति, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों पापा का शेड्यूल इतना बिजी होता है, वे डेली मतलब कहते हैं ना कि शॉप पे ही रहते हैं। आज आप सभी को पता है कि गुजरात में 14th और 15th दोनों दिन मतलब संक्रांति के दिन सब कुछ बंद होता है, तो आज पापा को एट लास्ट ऑफ मिला है। बाकी वो ऑफ हार्डली लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है, मेरे से भी ज़्यादा वर्कहॉलिक है। और पापा आपके पुराने दिन याद आ गए पतंग उड़ाने के। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ पे आ गए पुराने यादें सब मेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब जब मुंबई में रहते थे तब
बहुत जब वो यंग थे ना तभी उन्होंने बहुत ज्यादा पतंग उड़ाई थी। और अभी मैंने जैसा आपको वो दिन बताया कि मुंबई में धीरे धीरे ये सारा ट्रेंड कम होने लगा है, मगर गुजरात में तो बढ़ता ही जा रहा है। तो सोचा क्यों ना आप सभी को मेरे पापा से इंट्रोडक्शन कराऊं। थोड़े शाय है, मतलब वो भक्ति भजन में रहते हैं, गुणगान करते हैं, वो भी प्रभु का गुणगान करते हैं, उन्हीं से हमें संस्कार मिले हैं। तो बस वही था आप सभी से। और थोड़ी देर में मेरी मम्मी भी आने वाली है। मम्मी क्या कर रही है? पापा मम्मी खाना पका रही है। खाने में क्या है आज? आज उंधिया है, जलेबी है, चिक्की है, सब कुछ संक्रांति का जो हिसाब से रहता है वो सब आइटम है। सब आइटम है, वेरी गुड। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि आज पूरा उंधिया, पूरी, जलेबी, चिक्की, लड्डू, हर एक चीज। और आपको कुछ ही देर में मम्मी से भी मिला होगा, मम्मी फाइनली आने वाली है। पापा क्या खा रहे हो? लड्डू। कौन से? ममरा के। हाँ। कैसे लग रहे? अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पसंद आया ना? बहुत बढ़िया। गांव याद आ गया? बहुत अच्छा। बा याद आ गए? बा याद आ गए? मेरी माँ याद आ गई मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत डिलीशियस होते हैं दोस्तों, आप भी ट्राई करिएगा। कुरमुरे के लड्डू, मूरी के लड्डू। अभी कुछ ही देर में मम्मी और भी कुछ लाने वाली है, तो हम साथ मिल के बैठ कर खाएंगे। यश बेटा क्या हुआ? मैं किन्नी बांधने की सोच रही हूं। आप किन्नी बांध रहे हो? ओके दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि परी कैसे उड़ा रही है। देखो पतंग, हालांकि उड़ा के मैंने दी उसे टेक ऑफ मैंने किया हुआ है। दर्शकों को ऐसा लगने दो कि मैंने उड़ाई है। अरे ऐसा थोड़ी है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। देखो ये वाली भी येलो ही है, हम येलो वाला कलेक्शन। देखो उड़ रही है, देखो येलो वाली, आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो देखी, ओके। बेचारा यश देखो फिरकी पकड़ रहा है। यश पर आप प्रोफेशनल लग रहे हो। क्या? हाँ, आप भी लो ना, यश को भी चाहिए। यश को भी चाहिए, ओके। चलो यश उड़ा के दिखाओ। यश की मम्मी आप फिर के ले लो। कम ऑन यश, कितनी काटोगे? अभी तो कट ही रही। कितनी काटोगे? दोस्तों देखिए मम्मी भी ऊपर आ गई है, हम लोग सब साथ में ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। खाना थोड़ा आधा बनाया हमने, अभी आधा थोड़ा बाकी है। थोड़ा पूरी हम लोग गर्मा गर्म बनाएंगे ताकि अच्छा लगेगा पूरी के साथ। कैसे मम्मी? जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप हमारी नई नई वीडियो देखते रहे। हाँ, वो तो है, सबको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं यश क्या कर रहा है। लगता है कि यश कुछ खा रहा है। यश भूख लग गई आपको? क्या कर रहे हो? लड्डू खा रहे हो? अच्छा, कल बनाए ना। दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया है और ऊपर देखो टेरेस पर क्या क्या चीजें आई है। हमारे गुजरात की जो फेमस फेमस चीजें होती है, देखो आ गई है जलेबी, ये आ गई है पूरियां, और ये है सबसे मेन चीज, ये है उंधिया। अगर आप भी उंधिया पूरी खाते हो, अगर आप गुजरात से हो तो कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पे पापड़ वगैरह है और कुछ ही देर में हम शुरू करने वाले हैं चेन कुली की मेन। पापा शुरू करो चेन कुली की मेन। चलो शुरू करो, शुरू करो। यश आप क्या कर रहे हो? भूख नहीं लगी आपको? वहां पे क्या है, चक्कू को मत हाथ लगाओ। अब बैठो, थोड़े आगे आ जाओ, हम शुरू करते हैं। अभी मम्मी भी आ रही है, ऊपर आ रही है। मम्मी क्या लाने गई है? छास। छास बटर मिल्क आपको पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? पीने का? उसका गुजरात में बिना छास के कोई डिश नहीं है दोस्तों। कुंदिया पूरी हो, पाव भाजी हो, या फिर चाइनीज हो, या फिर मेक्सिकन हो, पर मेरे लिए नहीं। यश को पसंद नहीं है, या फिर पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, लोगों को छास चाहिए ही। चाउमीन के साथ छास? हाँ तो यहाँ पे तो पिज्जा के साथ भी लोग छास पीते हैं। पापा ने शुरू कर दिया है। कैसा है पापा? एकदम बढ़िया। टेस्टी? एंजॉय कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अभी मम्मी भी शुरुआत कर रही है। मम्मी आप टेस्ट करके बताओ कैसा उंधिया बना है। वैसे तो मम्मी ने ही बनाया है, अपने हाथ का उंधिया की तारीफ वो खुद करेंगी आज। आपको पसंद आया ना पापा? बहुत है। पापड़ भी साथ में। पापड़ खाओ, खिच्चा पापड़। ओके वेरी गुड। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ वाला पक्का पापड़। यश अभी आप पापड़ के बारे में कुछ बोले, क्या बोले थे? कच्चा पापड़ का पापड़ पक्का
दोस्तों देखो यश की मम्मी आ गई है, आप क्या लाए हो? बटर मिल्क लेके आए। बटर मिल्क और चिक्की भी लाए हो लग रहा है। ओके, मैंने सबको बता दिया है कि हमारी गुजरात की कोई भी डिश बिना बटर मिल्क यानी छाछ के पूरी नहीं होती। आ जाइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही डिलिशियस होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी होता है ये। पूरी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, ज़्यादातर इसे हम पूरी के साथ ही खाते हैं। दोस्तों लंच हो गया है, अब खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मैं खा रही हूँ हलवा, गाजर का हलवा जो कल की वीडियो में आपने देखा था पक रहा था वो मैं खा रही हूँ। आपको चाहिए? आपको चाहिए? नहीं नहीं, मैं फुल हो गया। यश को, यश आपका तो हो गया ना खाना? मम्मी पापा जरा नीचे गए हैं थोड़ी देर आराम करने, आफ्टरनून टाइम है, आफ्टरनून में लोग क्या करते हैं थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, फिर आएंगे शाम को, शाम के पहले इनफैक्ट 3-4 बजे वापस आएंगे, थोड़ी पतंग और उड़ाएंगे। हाँ, अभी तो मतलब मेरा बाकी है सब, मतलब पतंग वगैरह। आपने आपका हो गया, यश का हो गया, तो हमारा कैसे हुआ, हमारा भी बाकी है आपका हो गया अभी, मतलब दोपहर के बाद सब मैं ही करूंगी बस। चलो यश आपका हलवा। परी को आज राजकोट की याद आ गई। हाँ राजकोट भी आप आए थे पता है एक बार। मैं जब यश आने वाला था ना उसके एक महीने पहले, मतलब यश का बर्थडे फरवरी में और मैं गया था जनवरी के लाइक जो संक्रांत के टाइम मुंबई से वहाँ पे गया था, और पहली बार राजकोट का जो संक्रांत जो उत्सव होता है वहाँ पे, मतलब मैं आई वॉज मैड, मतलब क्योंकि मुंबई में इतना मतलब बिजी लाइफ होती है, तो मैंने पहली बार जो वहाँ का नज़ारा देखा, मतलब हम यहाँ पे तो थोड़ा कैसा है कि मतलब थोड़ा हम सिटी से दूर रहते हैं तो पतंगे लिमिटेड है क्योंकि घर लिमिटेड है, प्रॉपर आप सिटी में जाओ आनंद सिटी में वहाँ भी बहुत है। तो पहली बार मैं राजकोट गया था तो मुझे मतलब आकाश में पतंग के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, और फिर रात होती थी तो वो चाइनीज कैंडल होते थे ना वो छोड़ दे, अभी तो फिलहाल वो मतलब बैन हो गए हैं क्योंकि वो कहीं पे भी गिर जाती हैं, गिर जाते हैं तो आग लग जाती है। तो वो टाइम पे मतलब आप देखो ना कि आकाश में लगता है कि किसी ने लाइटिंग की सीरीज लगा दी, मतलब वो हिसाब से लोग इतना क्रेज यहाँ पे। दोस्तों देखो आप, हमें कौन मिलने आया है, देखो दर्शन देने आया हनुमान जी हमको, वानर सेना है पूरी, बहुत सारे देखो पीछे वहाँ पे भी देखो, हमारे टेरेस पे अक्सर बहुत सारे वानर आते रहते हैं, अपने आप को लकी मानते हैं कि भाई हनुमान जी की जो वानर सेना है वो आती रहती है यहाँ पे। ये देखो बैठे हैं, एक तो यहाँ पे बैठे हैं देखो और आगे देखो यहाँ पे भी और भी है, देखो और भी बैठे हैं यहाँ पे, देखो पीछे भी बैठे हैं, बहुत सारे आए हुए हैं देख रहा है अभी वो जा रहे हैं, चला गया चला गया चला गया, जय श्री राम। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं, लास्ट राउंड बाकी है पतंग उड़ाने का, मगर सोचा उसके पहले 10-15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे, मंदिर जाके आए और वहां से हमारे लिए कुछ लेकर आए, आपको बताता हूँ क्या है। मम्मी घर में चाय बनाकर लाई, ये देखिए आप भी आइए चाय पीने, और देखो ब्रेड लाए हैं, समोसे लाए हैं, और यश को तो पसंद ही नहीं है समोसे, वो बेचारा एकदम जबरदस्ती खा रहा है, जबरदस्ती खा रहा है, ब्रेड समोसे खाए जा रहे हैं। और ये देखो मम्मी ये क्या है, बाजरी का मेथी का ढेबरा, बाजरी का मेथी डाल के ढेबरा बनाया, मतलब ये नाश्ते के लिए, हम जो थेपला बनाते हैं उसका मोटा वर्जन है, थिक वर्जन है, बाजरी का आटे का, ये बाजरी के आटे का है, ओके वो गेहूं के आटे का होता है। देखिए दोस्तों ये भी एक थोड़ा देसी स्टाइल ढेबरा है, आप देख सकते हैं, और ये है समोसे जो मम्मी पापा हमारे लिए लाए हैं, मंदिर गए थे दर्शन करने, आप भी आ जाइए। पापा कैसी है चाय? एकदम बढ़िया, गर्मा गर्म चाय, समोसे खाओ, मौज करो, मौज करो, यस मजा आ गई ना, मजा आएगी मजा, क्यों जे ठंडी ठंडी मत, गरम गरम चाय, वेरी गुड। यश को तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो एडजस्ट करके खा रहा है, देखो देखो बहुत ही एडजस्ट। हम ठंडी भी थी धूप भी थी, सेक गए सब दोस्तों, देखो यश थोड़ा काला हो गया धूप में रहकर, देखो कम गोरा हो गया, थोड़ा कम गोरा हो गया, वैसे भी आप मेरे को वाइट पेंट कर दो, आपको वाइट पेंट कर दो, मेरे को छाछ डाल दो। ओहो आज शनिवार है तो मैं बजरंग बली का भजन गाती हूँ। ओ वाह, अरे दोस्तों देखो आज मैं भूल गया मम्मी को रिमाइंड करने के लिए, देखो मम्मी को याद था,
चलो मम्मी, आज आप मकर संक्रांति के दिन, शनिवार के दिन, सारी ऑडियंस को एक प्यारा सा कौन से भगवान का, हनुमान जी का हमारे प्यारे हनुमान जी का भजन सुना दो। चलिए 1 2 3। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब 7 समंदर लांघ गए, लंका में जाके उड़ के गए। ए रावण को हराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। क्या बात है दोस्तों, आज मम्मी के इस भजन के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। आज मेरा मन खुश हो गया, आज मम्मी ने शनिवार के दिन, संक्रांत के दिन बजरंग बली का भजन सुनाया। कैसा लगा सभी को कमेंट में जरूर बताइए। और ये मैं, मेरे पापा देखो यहाँ पे रोम अराउंड कर रहे, घूम रहे, चाय पानी हो गई, रिचार्ज हो गया है, अभी वो घूम रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद आए हो। आज बहुत दिन बाद मेरे पापा ने ब्रेक ली दोस्तों, मतलब वो 7 डेज ए वीक काम करते हैं, बोलते हैं आप ब्रेक लो, कहीं पे जाओ, मम्मी को लेकर जाओ। नहीं, उनका जो टाइम टेबल है ना मिलिट्री वाला है, तो वो काम करते ही रहते हैं। हमको सब जगह पे लेके जाता है। ऐसा नहीं, पापा भी लेके जाते हैं, मैं मजाक करता हूँ। जैसे पापा को टाइम होता है तो पापा लेके जाते हैं, मुझे टाइम होता है तो मैं लेके जाता हूँ, जैसे दोनों को टाइम एडजस्ट होता है। दोस्तों देखो आज मेरे पापा ने सालों बाद पतंग उड़ाई है और मम्मी ने फिरकी पकड़ी है और ये पतंग नीचे आ रही है। क्या बात है, बहुत मजा आया पापा आपको देख के। सालों बाद मैंने तो देखा ही नहीं, आप यंग होंगे तब कराया होगा आपने, चढ़ाई होगी पतंग। क्या बात है, मजा आ गया आज आपको देख के। दोस्तों अभी ये हमारा लास्ट सेशन है काइट फ्लाइंग का, 2014 की। क्या हुआ दोस्तों, हमारा लास्ट सेशन है और ये इस साल की लास्ट पतंग उड़ा रहा हूँ शाम के टाइम। हाँ। 14 तारीख वाली, कल उड़ाएंगे और भी। हाँ। सनसेट भी होने वाला है, कैसा अच्छा लग रहा है देखो सब। अब सब लोग टेरेस से थोड़े कम हो गए और ये हमारा हीरो देखो थक गया बेटा तक गया, वापिस कल आना है ना उड़ाने के लिए। और ये देखो, ये हमारी वाली पतंग, अभी हवा ठंडी हवा चालू हो गई है। और ये देखो सन कितना अच्छा लग रहा है देखो, वाव। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए व्लॉग्स को आप सबसे पहले देख सके। तब तक गुड बाय, 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 बाय।